जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ के बच्चों, आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है इस वीडियो को पाने के लिए, क्योंकि हमारा कुछ दिनों से समय बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। कुछ ज्यादा ही बिजी शेड्यूल की वजह से जो है हम एकदम कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कोई वीडियो डाल नहीं पा रहे थे। क्लासेस की भी रूटीन एकदम बर्बाद हुआ। ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, सब चीज खराब हो गया था। लेकिन हाँ, आज है 10 अप्रैल और आज से हमारा चीजें जो है रूटीन वाइज हो गया, सबसे बढ़िया हो गया। तो अब जो है ये जो गैप था, ये जो समस्या था, ये बीत चुका है। 10 अप्रैल से सब चीज अच्छे तरीके से होने वाला था, हमने आपको बोला था। तो आज से स्टार्ट हो गया, ठीक बात। और आपका जो रुक गया था जो क्लास, उसी जगह से हम जो है वापस से स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। एनपीओ पढ़ रहते हैं तो एनपीओ में बिना एडजस्टमेंट के तो बात होगा नहीं, जो भी आप लोग गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेकर पढ़ रहे थे, तो उसी का जो जो एडजस्टमेंट है उनका हम लोग लेखांकन सीखेंगे, उनका हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि भाई किस तरीके से ट्रीट किया जाता है उसे, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट के आपके आंसर हमेशा गलत आएंगे ही आएंगे, ये बात पक्का समझ लीजिए। और जो भी रट जाते हैं कि भाई आदत को जोड़ते हैं, पुरादत को घटाते हैं, ये जो रट जाते हैं उनका आज जो है अपने रटे हुए विद्या से विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि भाई रटने से काम नहीं होता है, समझने से काम होता है। कुछ चीजें जुड़ सकता है, कुछ चीजें घट सकता है, क्यों जुड़ता है, क्यों घटता है, जब तक नहीं पता चलेगा रटेंगे, बाद में दिक्कत करेगा वो, है ना बात। तो इसलिए आज से रटना भूल करके समझना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल पर हैं तो आप समझ लिए आज से रटना कम और पढ़ना ज्यादा, समझना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम ये भी बोलने वाले हैं कि हम लोग के चैनल पे अब जो है बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इनकी भी क्लासेस आने वाली है। वीडियोस बन गए हैं, बस एडिटिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद जो है आप लोग को टाइम टू टाइम वो भी मिलता जाएगा। मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और जो बच्चे नए हैं, क्या करना है आप लोग को पता है, बताएं या ना बताएं, चलिए आप लोग को पता है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक बात। तो क्या करना है समझिए, समझिए ये है कि हम लोगों को जो है यहां पर प्रीवियस ईयर लिखा है, यहां पर करंट ईयर लिखा है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी लिखा है प्रीवियस ईयर और इसमें भी लिखा है करंट ईयर। ये क्यों लिखा है प्रीवियस ईयर करंट ईयर का क्या लॉजिक है? तो उससे पहले जिसके लिए लिखा है उस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं कि यहां पर क्या बात है। तो यहां पर जो बात है वो समझना आपको ये है कि लिखा है आदत व्यय, ठीक बात। आदत व्यय क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, बकाया व्यय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, आदत व्यय को हम लोग जो है बकाया व्यय के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों का मतलब ही समझ में आ रहा है, बकाया मतलब क्या हो गया भाई, अच्छे तरीके से जानते हैं, बकाया मतलब देना बाकी है, क्योंकि व्यय है, व्यय को हम लोग देते हैं ना, चुकाते हैं ना, यानी देना जो बाकी होगा उसी व्यय को हम लोग क्या कहेंगे, उसी व्यय को हम लोग आदत व्यय कहेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि आदत व्यय क्या होता है, कैसा देना बाकी है? मतलब इसका मतलब यह है कि आपने किसी से सेवा करवा लिया है, सेवा ले लिया है उसका, जो भी उससे काम करवाना तो काम करवा लिया, लेकिन जब उसको पैसा देने के बारे में बात आया तो आपने बोला कि रुक जाओ थोड़े दिन बाद दे देंगे, यानी उधार लगा दिया, ऐसे वे ही आपके लिए आदत वे होंगे, ठीक है। अब इनका लेखांकन में कैसे यूज होता है, जब हम लोग एनपीओ यूज करते हैं, जब हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अलाभकारी संस्थाओं के जब लेखे हम लोग करते हैं तो उसमें इसके तरह के टॉपिक मिलते हैं, इस तरह के टॉपिक मिलते हैं जिसमें ये बात आता है। तो कब जुड़ेगा कब घटेगा, उसके लिए आपको इन दो बातों पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सी दो बातें, एक है जिसको हम लोग गत वर्ष कहते हैं यानी प्रीवियस ईयर, और एक है जिसको हम लोग चालू वर्ष कहते हैं यानी करंट ईयर। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस समय का आदत वह है, पिछले वर्ष का आदत वह है या इस वर्ष का, चालू वर्ष का आदत वह है। जैसे ही आपको यह लॉजिक समझ में आने लगा, पिछला और चालू का अगर समझ में आने लगा, तो कंफर्म है कि आपके लिए चैप्टर एकदम चुटकी का हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, बहुत ही इजीली आप पूरा चीज समझ लेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि गत वर्ष और चालू वर्ष कैसा है, तो उसको जानने का तरीका क्या है। गत वर्ष का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 31 मार्च से होता है, ठीक बात। लेकिन 31 मार्च कब का, 31 मार्च प्रीवियस ईयर का, पिछले साल के 31 मार्च से, ठीक है। अगर पिछले साल के 31 मार्च से जब भी हमारा रहेगा तो गत वर्ष का होगा, ठीक बात, समझ में आया। इसके साथ ही साथ अगर आपका 1 अप्रैल भी हो, ठीक है, अगर 1 अप्रैल भी हो तो भी वो गत वर्ष होगा, लेकिन 1 अप्रैल किस समय का, करेंट ईयर का, करेंट ईयर का अगर 1 अप्रैल है तो भी हमारा क्या होगा, वो पिछले वर्ष का ही माना जाएगा। क्यों, 1 अप्रैल तो यार इस साल नया स्टार्ट होगा, फिर पिछले वर्ष का क्यों है, क्योंकि 1 तारीख को उन्हीं चीजों को लिखा जाता है जो पिछले साल के बकाया है, पिछले साल के बैलेंस है, पिछले साल के बैलेंस को 1 तारीख को ओपनिंग पे रख दिया जाता है। इसका मतलब 1 तारीख का सीधा सीधा संबंध पिछले ही वर्ष से है। इसीलिए आप लोग जब रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाए थे, याद है, उसमें 2 बैलेंस बीडी करके जो लिखे थे वो क्या था, वो पिछले साल का बकाया कैश का था, उसी को इस साल ओपनिंग में लिखे थे, समझा, उतना उनका कैश का बैलेंस पिछले साल का था, उसी को आपने ओपनिंग में डाला था, यही बात है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि गत वर्ष से संबंधित क्या होगा, करेंट ईयर क्या होगा। तो करेंट ईयर आपको समझ लेना है कि जब भी 31 मार्च होगा, ठीक है, 31 मार्च होगा, किस समय का, करेंट ईयर का, तो वो हमारा करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, ठीक बात। 31 मार्च करेंट ईयर का ही करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, उससे
पहले वाला बात नहीं है, बाकी आपको ड्यूरेशन पता ही है, एक पीरियड एक साल का पूरा चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस तरह से भी चीजों को आप समझ सकते हैं। ये बात समझ में आ गया ना, कैसे पहचानना है? डेट से समझ में आ जाएगा कि कब है, या तो सीधा सीधा साफ साफ क्वेश्चन में ही लिख देगा कि पिछले वर्ष का बकाया या फिर जो है चालू वर्ष का बकाया, इस तरह से लिख देगा। एक और बात आपको समझने की जरूरत है, अगर क्वेश्चन में साफ साफ बताया ही नहीं है, ना डेट दिया ना कुछ बोला है, कुछ नहीं केवल बोला आदत है, कैसे पहचानेंगे कि किस साल का है? तो इसका पहचानने का तरीका नहीं बल्कि नियम है। क्या है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है तो उसका मतलब होता है कि वो गत वर्ष का ही, सॉरी वो करेंट ईयर का ही है, चालू वर्ष का ही है। समझे बात? अगर क्वेश्चन में कोई भी बातें नहीं है तो चालू वर्ष का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब जो है चीजों को समझते हैं कि क्यों जुड़ता है, क्यों घटता है, क्या जुड़ता है, क्या घटता है। अच्छा, इतना बात जानने के बाद एक बात फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं सभी बच्चों के लिए, नए पुराने जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं उनके लिए हम रिवाइज कर दे रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, क्योंकि भाई एडजस्टमेंट का प्रयोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही होता है, है ना, रिसिप्ट पेमेंट तो एडजस्टमेंट होता नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है। तो आपको याद होगा, सारे बच्चों को नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है, आई शॉर्टकट में लिख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस जो आय व्यय खाता जो बनता है, इस खाते के, ठीक है, इस खाते के जो है अंदर क्या लिखा जाता है, इस बात को समझिए, इस खाते के अंदर आपको बताइए क्या लिखा जाता है, ठीक है, आय व्यय खाता जो हमारा बनता है इसके अंदर क्या लिखा जाता है, तो इसके अंदर केवल और केवल चालू वर्ष से संबंधित सौदों को ही लिखते हैं, ठीक बात, किसको लिखते हैं, चालू वर्ष से संबंधित सौदों को। एकदम क्लियर है, अच्छे तरीके से कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक बात, समझे, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारे बच्चे हमसे जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। कमेंट एकदम इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बनता है, हम कमेंट सबके पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन बनता है, इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक बात, समझे, क्लियर है। अब इसी के हिसाब से जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट आएगा, यहां तक बातें क्लियर है तो अब देखिए कितना आराम से आपको ये सब चीज समझ में आने वाला है। सबसे पहला बात करते हैं, अगर हमारा गत वर्ष का यानी पिछले साल का, गत वर्ष को हम पिछला साल कहते हैं, अगर पिछले साल का आदत व्यय दिया है तो उसे जोड़ेंगे कि घटाएंगे। शुरुआत में पहली बार पढ़ेंगे थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे इसको बार बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक दो बार, एकदम याद हो जाएगा, एकदम समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स जब हम बताएंगे तो उसमें तो एकदम बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से पूरा याद हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अभी नियम के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, यहां पर क्या है, अगर पिछले वर्ष का हमारा आदत व्यय दिया रहता है तो उसे घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक बात, घटाने को मतलब हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है, घटाते हैं, ठीक बात, समझे, क्या करते हैं, क्यों घटाते हैं, अभी रीजन समझ लीजिए, बस इतना जान लेंगे कि पिछले साल का रहेगा तो उसे घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर बात लिखा है, क्या लिखा है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है, पिछले वर्ष से होता है, ठीक बात। अब ये बात आपके खोपड़ी के ऊपर गया होगा, ये क्या है, ये तो भाई सर के ऊपर से जा रहा है ना, बात पिछले वर्ष से होता है, मतलब पिछला वर्ष तो साफ साफ लिखा, तो बात तो समझ आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप जानिएगा, हम लोग अभी जाने थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करेंट ईयर की चीजों को लिखते हैं, ठीक बात, जब केवल करेंट ईयर की चीजों को लिखते हैं तो प्रीवियस ईयर की चीजें उसमें क्यों जाएगा, जाएगा क्या, नहीं, तो जो भी चीजें प्रीवियस ईयर का है उसको क्या करना होगा, घटाना होगा, क्यों, क्योंकि घटेगा तभी तो हटेगा, हटा देना है इसलिए घटा देना है, समझे बात। और जिस समय का आप बकाया रखेंगे उसी समय का ना बाकी होगा, इसको समझने के लिए इस तरह भी आप समझ सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात में आप समझिएगा, अगर आपने जो है अभी अप्रैल में कहीं एडमिशन लिया है, फिर आपने अप्रैल का फीस पेमेंट किया, किसी कोचिंग में आपने एडमिशन लिया है, अप्रैल का फीस पेमेंट किया, अप्रैल के बाद आया मई, मई में आपका फीस जो है बाकी रह गया, ठीक है, बकाया रह गया, उसी तरह आदत व्यय की तरह, ठीक बात, बकाया रह गया, और फिर मई के बाद आपने क्या किया, जून में पेमेंट कर दिया 2 महीने का, तो क्या टीचर जो है जून में जैसे ही 2 महीने का पेमेंट हुआ तो टीचर उस 2 महीने को जून का ही 2 महीना मानेगा, जून का 2 महीना आपका पेमेंट आ गया, ऐसा नहीं, एक आदमी एक साथ 2 महीने का क्यों पेमेंट करेगा, तो जो 2 महीने का जून में जो पेमेंट आया है उसको समझ में आ जाएगा कि 2 महीना मतलब इसमें का 1 महीने का पेमेंट किसके लिए, मई के लिए, और 1 महीना जून के लिए, समझे, यानी जिस वर्ष का बकाया रहता है, जिस महीने का बकाया रहता है, जिस समय का बकाया रहता है, उसका संबंध उसी समय से होता है। सेम यही बात आपको यहां पर देख लेना है कि हमारा जो है यहां पर जब प्रीवियस ईयर का बकाया दिया है तो इसका संबंध भी प्रीवियस ईयर से ही होगा, इसलिए इसको हटा देना है, घटा देना है, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक बात। आगे बात कर लेते हैं, अगर हमारा करेंट ईयर का होगा, ठीक बात, करेंट ईयर का बाकी होगा, अब फिर से बाकी है, जिस भी वर्ष का बाकी रहता है उसका संबंध उसी वर्ष से होता है, ये बात समझ में आ रहा है, तो हमारा जब भी करेंट ईयर का बाकी है तो सीधी सी बात है इसका संबंध करेंट ईयर से ही है, तो इसको क्या करेंगे, करेंट ईयर की चीजों को क्या करते, लिखते हैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहां पर देखिए लिखा भी है, जब आदत व्यय चालू वर्ष का दिया होता है तो उसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो उसे हम लोग जो है जोड़ते हैं, ऐड करेंगे, ठीक बात, समझ में आ गया बात, ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उसका संबंध चालू वर्ष से होता है, जिस वर्ष का बाकी उसी वर्ष से संबंध, समझ में आ गया, चालू वर्ष से संबंधित जुड़ेगा, पिछले वर्ष से संबंधित घटेगा, और इसी के साथ अगले वर्ष से संबंधित आने वाला भविष्य, भविष्य से संबंधित होगा फिर भी उसको घटाना है,
घटेगा, केवल चालू वाला ही जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल करंट अकाउंट जो है करंट ईयर को ही लिखते हैं। बात समझे, केवल करंट ईयर को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात, पूर्वदत्त की बात कर लें, जिसको प्रदत्त भी कहते हैं। क्या क्या नाम है? प्रदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अग्रिम व्यय। नाम से साफ समझ में आया, अग्रिम, पूर्वदत्त, पूर्व मतलब पहले, दत्त मतलब देना, अग्रिम मतलब एडवांस, एडवांस में देना। ये सबका सेंस यही बनता है कि आपका क्या है, एक ऐसा खर्चा, ठीक है, एक ऐसा व्यय जिसे अग्रिम दिया गया है, ठीक है, जिसे अग्रिम दे दिया गया है। समझ में आ रहा है, बात क्लियर है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब ध्यान दीजिए, अगर अग्रिम दे दिया गया है तो उसका संबंध किससे होगा, किसी भी चीज को अगर हम एडवांस की बात करें तो उसका संबंध किस वर्ष से होगा। जैसे अगर आज जो हम लोग 2023 चल रहा है, अगर हम इस समय किसी को एडवांस में पेमेंट करते हैं, पूरा एक साल का एडवांस पेमेंट करते हैं, तो किसके साल के लिए एडवांस पेमेंट होगा, क्योंकि इस साल का तो हमें पेमेंट करना ही है 2023 का, लेकिन हम बोले एडवांस वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एडवांस भविष्य के लिए होता है ना। अगर 2023 में हम एडवांस पेमेंट करेंगे तो किस साल के लिए पेमेंट करेंगे, 2024 के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो हमारा एडवांस जो होता है, अग्रिम जो होता है, वो नेक्स्ट की बात करता है, अगले वर्ष की बात करता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इसमें बता रहा है कि अगर पिछले साल कोई एडवांस दे दिया गया, क्या पिछले साल गत वर्ष में अगर कोई एडवांस दिया गया होगा, पिछले साल किसी ने एडवांस का पेमेंट आपको किया होगा, आप या फिर आपने किया होगा, ठीक है, क्योंकि व्यय की बात कर रहे हैं, व्यय का मतलब हम पेमेंट करेंगे, आय का मतलब वो पेमेंट किया होगा, ठीक बात। तो यहां पर समझना है कि हमारा पिछले वर्ष हमने किसी को एडवांस में पेमेंट किया होगा तो वो किस साल के लिए एडवांस में पेमेंट किए होंगे, उसका संबंध किस साल से होगा, पिछले साल का एडवांस इस साल से संबंधित होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक बात। तो यहां पर क्या होगा, जब पूर्वदत्त व्यय पिछले वर्ष का दिया होता है तो उसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसका संबंध किस वर्ष से है भाई, पिछले साल एडवांस दिया है तो उसका संबंध किस वर्ष होगा, चालू वर्ष से होगा, ठीक बात। पिछले वर्ष का एडवांस का संबंध किस वर्ष होता है, चालू वर्ष होता है, पिछले साल एडवांस इस साल से संबंध, ठीक बात, क्योंकि अगले वाले से ही होता है। नेक्स्ट, अगर हमारा जो है चालू वर्ष का, ठीक है, अगर हमारा चालू वर्ष का एडवांस दिया है तो फिर इस साल एडवांस दिया तो उसका संबंध किससे होगा, अगले साल से होगा कि नहीं, ठीक बात समझे। और हम फिर बता रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का जाता है, ना ही पिछले का जाएगा ना ही अगले का जाएगा, केवल करंट ईयर का, ठीक बात। तो यहां पर भी क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब पूर्वदत्त व्यय चालू वर्ष का दिया होता है तो उसे घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, क्योंकि उसका संबंध किस साल से होगा, क्योंकि उसका संबंध जो है, ठीक बात, उसका संबंध किससे होगा, आगामी वर्ष, आगामी मतलब नेक्स्ट ईयर, जो अभी भविष्य में आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से वो संबंधित है, इसलिए उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक बात। जबरदस्त तरीके से सब चीज समझ में आएगी नहीं, फटाफट कमेंट करते हैं, एकदम जैसा ये टॉपिक है, जैसा ये हमने बताया, ऐसा ही आपको आय में भी समझना है, आय में उपार्जित है, अनुपार्जित है, एकदम यही सेम टू सेम लॉजिक है। तो चलिए उस पर बढ़ते हैं, ठीक बात। अब हमारा जब हम इसकी बात कर लें आय के बारे में, ठीक है, तो यहां पर भी सेम लॉजिक काम करेगा, एकदम बढ़िया तरीके से इन सब चीजों को नोट भी करते चलेगा। यहां पर आपका क्या है, उपार्जित आय की बात करें, अर्जित आय भी इसको कह सकते हैं, अदत्त आय भी कह सकते हैं, यहां पर फिर से अदत्त है, बकाया आय भी कह सकते हैं, ठीक बात, इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, बकाया आय, ठीक बात, बकाया आय। इसका मतलब क्या है, यहां पर आय के सेंस में आपको समझना है कि आपने जो है सेवा किसी को दे दिया है, जो भी आपसे आपको काम करना था वो काम आपने कर दिया है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट के लिए बोल दिया कि कुछ दिन बाद देंगे, कुछ समय बाद देंगे, तो वो आय आपके लिए क्या कहलाएगा, बकाया है, जो आपको अभी मिलना बाकी है, उपार्जित है, कमा लिया मिला नहीं है, अर्जित है, कमा लिया मिला नहीं है, ठीक बात समझे, क्लियर है। तो इस प्रकार क्या है, अब इसमें भी आपका लॉजिक वही है, एक पिछले वर्ष का होगा, एक इस वर्ष का होगा, ठीक बात, बकाया है, ठीक बात। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अगर पिछले वर्ष का हमारा एक्रूड होगा, पिछले वर्ष का अगर हमारा बकाया होगा गत वर्ष का, तो ऐसे कंडीशन में जिस समय का बकाया रहता उसी समय से वो संबंधित होता है ना, ये बात हमने अदत्त में भी बताया था, अदत्त व्यय में सेम, यहां पर अदत्त आय यानी उपार्जित आय में भी सेम लॉजिक, ठीक बात। क्या हो जाएगा, अगर उपार्जित आय जब पिछले वर्ष का दिया होता है तो इसे घटाते हैं, ठीक बात, क्या करते हैं, घटाते हैं, समझ में आ रहा होगा क्यों घटाते हैं, क्योंकि इसका संबंध किस वर्ष से होगा, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध पिछले वर्ष से होगा, ठीक है, बात समझे, किस वर्ष होगा, पिछले वर्ष से, भाई जिस वर्ष का आय है उसी वर्ष से संबंधित होगा क्योंकि वो बकाया है, ठीक। अब हमारा दूसरा बात कर रहे हैं, करेंट में देख लें, करेंट ईयर यानी चालू वर्ष का उपार्जित है, ठीक बात। अगर हमारा चालू वर्ष का उपार्जित है तो किस प्रकार से काम करना है, ध्यान से समझेगा, ठीक है। यहां पर देखिए बात करते हैं, उपार्जित आय जब चालू वर्ष का दिया होता है तो इसे जोड़ते हैं, क्यों जुड़ेगा बताइए, जोड़ते हैं, क्यों जुड़ता है, क्योंकि इसका संबंध चालू वर्ष से होता है,
भाई इस साल का बाकी है तो इसी साल से हम संबंधित है, पिछले साल का बाकी था तो उस साल से संबंधित था। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है अच्छे तरीके से? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताते रहेंगे कि समझ में आ रहा है कि, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में आप कमेंट करके बता देंगे सर हमें नहीं समझ में आया, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, और नहीं तो एक बार दो बार उसको रिपीट में देख लें वीडियो, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ, दूसरे बार में दिमाग में चला जाता है बात, ठीक बात। तो ये बात हो गया, नेक्स्ट हमारा है। अब हम लोग क्या बात करते हैं? अनुपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमारा व्यय में एडवांस में हम पेमेंट कर देते हैं, तो कुछ अमीर लोग हम लोग को आय भी एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। बिजनेस चला रहे हैं, आप भी एडवांस में पेमेंट कर सकते हो, कोई आपको भी एडवांस में पेमेंट कर सकता है, बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो इस आय में यही हो रहा है कि आपने अभी सेवा नहीं दिया, आपने अभी सर्विस नहीं दिया, बल्कि क्या हुआ है, किसी ने पेमेंट आपको कर दिया, किसी ने आपको पैसा दे दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बात होगा, तो इसको समझेगा कि अगर ये पिछले वर्ष का होगा एडवांस वाला तो फिर क्या काम करेगा, और अगर ये चालू वर्ष का होगा एडवांस वाला तो भी क्या काम करेगा। इसको समझ रहे, एडवांस है, ठीक बात, ये एडवांस वाले ही बात कर रहा है, उपार्जित मतलब अनुपार्जित वाला, कमाया नहीं मिल गया एडवांस ही हुआ ना, ठीक बात। तो ध्यान रखिएगा, तो जिस वर्ष का एडवांस होता है उसके अगले वर्ष से वो संबंधित होता है, जिस वर्ष का एडवांस होगा उससे अगले वर्ष से वो संबंधित होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि जब हमारा गत वर्ष यानी पिछले वर्ष का एडवांस है, ठीक है, अनुपार्जित आय जब पिछले वर्ष का दिया होता है तो इसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, अगर पिछले वर्ष का हमारा उपार्जित है तो जुड़ेगा ही, क्योंकि उसका संबंध किस वर्ष से आ जाएगा, हमारा उसका संबंध इस वर्ष आएगा, पिछले साल का अनुपार्जित का संबंध इस साल से होगा, क्योंकि वो एडवांस है पिछले साल का, तो इस साल से ही रिलेटेड होगा ना, इसलिए जुड़ जाएगा, ठीक है बात। नेक्स्ट उल्टा इसका चालू वर्ष की बात करते हैं, अगर हमारा चालू वर्ष में हमने एडवांस दिया, अनुपार्जित दिया है, मतलब पाया है, यहां पे दिया नहीं, यहां पाया है, ठीक है, अगर हमने चालू वर्ष में एडवांस पाया है, अनुपार्जित है, तो उसमें क्या होगा, तो ध्यान देखिएगा, अनुपार्जित आय जब चालू वर्ष का दिया होता है, दिया होने का मतलब एडजस्टमेंट में दिया होता है, ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, तो इसे घटाते हैं। अगर आपके एडजस्टमेंट में अनुपार्जित आय चालू वर्ष का दिया है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई इस साल अगर हमने एडवांस दिया तो वो किससे रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर से होगा कि नहीं रिलेटेड। अब जब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो घटेगा ही, क्योंकि इसका संबंध आगामी वर्ष से यानी नेक्स्ट ईयर से होता है, क्योंकि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करेंट ईयर की चीजों को ही लिखते हैं, ठीक बात, सबको समझ में आया। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक एडजस्टमेंट के मेन पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आप लोग फंसते हैं वो सीख लिया, ठीक है। इसमें अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर हम लोग आगे के सारी चीजों में कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे किसके ऊपर, तो वो करेंगे हम लोग अगली वीडियो में सब्सक्रिप्शन का पूरा एकदम ट्रीटमेंट सीखेंगे, कैसे कैसे क्या चीज जुड़ता है, क्या चीज घटता है, ठीक है। जो है हम लोग का उपभोग योग्य सामग्री, ठीक है, उसका हम लोग यूज करेंगे कि उसमें क्या होता है, कंज्यूमेबल गुड्स जिसको बोलते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स या मटेरियल बोलते हैं, उसका देखेंगे उसमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। फिर इसके बाद हम लोग जो है स्पेशल फंड कि उसमें क्या चीजें जुड़ता है, क्या चीजें घटता है, किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, उसका देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये सारे पढ़ लिए तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स केवल लगा के हमको बताना है, तीन चार न्यूमेरिकल बताएंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझे बात, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों समझेंगे, फिर इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर बैलेंस शीट समझेंगे, फिर दो न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब ओवरऑल मिला के तो मैक्सिमम 5 से 6 पीरियड और है, उसके बाद ये चैप्टर आपका एकदम जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोगों को फिर होमवर्क भी दे दिया जाएगा। होमवर्क कहां मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहां पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाइए चैनल पे, सपोर्ट दिखाइए चैनल के लिए, और जबरदस्त तरीके से ज्ञान आश्रम को भी बढ़ाइए और अपने आप को भी बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।